तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, ऑक्सीजन ओएस बहुत ही ज़्यादा फेमस है वन प्लस डिवाइसेज में। तो बेसिकली ऑक्सीजन ओएस है क्या, एक एंड्रॉयड स्किन है जो वन प्लस अपने फ़ोन्स के ऊपर यूज़ करता है और बिल्कुल एक स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देता है। बट आपने अक्सर ही सुना होगा कि एक ऑक्सीजन ओएस के अलावा हाइड्रोजन ओएस भी है जो वन प्लस यूज़ करता है, और वो बेसिकली चाइना में वो यूज़ करता है। बाकी सभी जो कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, चाइना को छोड़ के, वो अपने डिवाइसेस के ऊपर ऑक्सीजन ओएस की स्किन यूज़ करता है। तो बहुत सारे यूज़र होते हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन रहती है कि ऑक्सीजन ओएस और जो हाइड्रोजन ओएस है, इनमें क्या फ़र्क रहता है। तो चलिए आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। मैं खुद वन प्लस के डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ सिंस जब से OnePlus 5 लॉन्च हुआ है। तो अभी मैं एट प्रेजेंट यूज़ कर OnePlus 7T यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, मुझे अपग्रेड करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने हाइड्रोजन ओएस और ऑक्सीजन ओएस दोनों ही यूज़ किए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक्स। पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, और सेकंड टॉपिक हम ये कवर करेंगे क्या आप ऑक्सीजन ओएस और हाइड्रोजन ओएस इंटरचेंज करके फ्लैश कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास डिवाइस है जो ऑक्सीजन ओएस पे चल रहा है, क्या आप उस पर हाइड्रोजन ओएस फ्लैश कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो इसके लिए इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमें पता है चाइना में जो होता है कि बहुत सारे हमारे पास जो गूगल की एप्स हैं, बेसिकली सारी गूगल की एप्स क्या कंप्लीटली बैन है। चाहे गूगल मैप्स हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, वो कंप्लीटली क्या वहां पे बैन है। जिस कारण जो हम ऑक्सीजन ओएस यूज करते हैं, जो मतलब जैसे मैं इंडिया में हम रहते हैं अभी, तो उसमें हमें पता गूगल की हमें सारी सर्विसेज मिलती है। तो चाइना में क्या कि इन सारी सर्विसेज को निकाल दिया जाता है जो ऑक्सीजन ओएस है उससे, और उसे नेम दे दिया उन्होंने हाइड्रोजन ओएस। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन ओएस है वो ऑक्सीजन ओएस ही है, बस उसमें क्या कि हमारे पास जो गूगल प्ले सर्विसेज होती हैं, जो गूगल की एप्स होती हैं, वो उसमें इंस्टॉल नहीं रहती है। और ये सबसे बड़ा एक मेन डिफरेंस रहता है जो ऑक्सीजन ओएस और हाइड्रोजन ओएस में है। इसके लिए जो सेकंड डिफरेंस रहता है कि जितने भी आपके पास पहली अपडेट्स आती हैं, मतलब जो नए फीचर्स ऐड होते हैं, वो सबसे पहले हाइड्रोजन ओएस में ऐड किए जाते हैं। मतलब सबसे पहले टेस्टिंग होती है, सबसे पहले कोई भी फीचर है, चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पीछे एक फीचर ऐड हुआ था, वो भी सबसे पहले क्या हुआ था कि हाइड्रोजन ओएस में ही इंस्टॉल हुआ था। मतलब जो बिल्ड्स आते हैं, अल्फा बिल्ड्स होती हैं, बीटा बिल्ड्स होती हैं, वो भी सारी सबसे पहले किसकी आती है, हाइड्रोजन ओएस की आती है, और उसके बाद उसे ऑक्सीजन ओएस में पोर्ट किया जाता है। तो ये दो सबसे बड़े डिफरेंस होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन ओएस और हाइड्रोजन ओएस में। इसके अलावा इनमें कोई और डिफरेंस नहीं होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं, क्या आप इन्हें इंटरचेंज करके फ्लैश कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैंने OnePlus 7T में ये किया हुआ है, मैंने हाइड्रोजन ओएस फ्लैश किया था, उसके बाद मैंने OnePlus 7T पे मैंने ऑक्सीजन ओएस इंटरचेंज करके फ्लैश किया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हालांकि एक बार मेरा डाटा सारा वाइप जरूर हो गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको ये करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टाइम में। अगर लेटेस्ट से कि अगर हाइड्रोजन ओएस में कुछ एक फीचर्स पहले आ गए, तो विद इन 1 मंथ वो ऑक्सीजन ओएस में भी पोर्ट हो जाते हैं। पर अगर फिर भी आप फ्लैश करना चाहते हो, तो आप प्रोफेशनल जो वेबसाइट है XDA, मैं XDA को फॉलो करता हूँ ज्यादा, XDA.com, XDA developers.com, तो आप वहां पर जाकर जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर सर्च करना है हाउ टू फ्लैश हाइड्रोजन ओएस ऑन OnePlus 7T XDA आप लिख के सर्च कर सकते हो, तो आपको ट्यूटोरियल आ जाएगा और वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिल जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको इसके अलावा मन में कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग हाइड्रोजन ओएस एंड ऑक्सीजन ओएस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।